जयगढ़ थाना के मुख्य आरसी सुदेश सिंह को डुमरी के प्रधान से अमर्यादित भाषा से बातचीत का ऑडियो वायरल होने पर एसएसपी शलभ माथुर ने पुलिस की छवि धूमिल होने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, साथ ही पारंपरिक जांच का आदेश भी दिया है। आपको बताते चले कि 2 जुलाई को बरही के डुमरी के प्रधान ने गांव के ही एक मामले को लेकर जगह थाने के मुख्य आरक्षी से फोन पर बात की थी, जिस पर मुख्य आरक्षी ने उनसे अमर्यादित भाषा में बात किया, जिसका ऑडियो वायरल हुआ और मामला एसएसपी तक पहुंचा, जिसकी जांच एसएसपी ने सीओ से कराई तो मामला सही निकला, जिस पर एसएसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। हेलो, हाँ दीवान जी, तीन बार लाए हो गए। हेलो, आ रहे हम प्रधान डुमरी से, तीन बार हो चुका। आप प्रधान जी बताओ। हाँ कहानी आ रहे, हमारे गांव के मीटर चला था तो कहें आप नहीं ना देखा नहीं सुन लेना यहाँ 100-100 नंबर की गाड़ी दो दो बेर तीन तीन बेर आ गई लोकर बाद वहाँ फरार हो जाता ना, आपके सूचना दिए पर अपना यही नहीं। कौन कौन है गाड़ी? अरे 100 नंबर की गाड़ी मैंने एकदम आयल बैठ हमारी गाँव में। हाँ तो अमन चौकी पर दरखास्त दी हल बाद कौन कर सुनवाई नहीं होती है, ये बताइए। टांगी लेके दौड़ाता घुमाता मारे काटे जाता कि मर जाए हम मर्डर हो जाए तब आई बा इसको दिए दरखास्त की के दिया हो दरखास्त अंदरवा बैठल ना के रहल बड़े साहब नहीं दियो के नहीं चौकी में नहीं दम चौकी अब ते दी हल बा अरे यहां दीवान जी बात करिए। हाँ दीजिए तो नुमरी प्रधान जी। हाँ प्रधान जी। हाँ नमस्कार नमस्कार दीवान जी। नमस्कार बी कौड़ी प्रधान बताओ कहानी। हाँ हमारे गांव मर्डर हो जाए तब आई का। हाँ हो जाए तब आई तब आई। हाँ हम चाहत नहीं मर्डर हो जा। हाँ तुम्हार काम है इससे बात वैसे बात तो ठीक बात मर्डर हो जाए नहीं तब आइएगा तब। हाँ तो ठीक है मर्डर हो जाए तब आइए। हाँ ठीक है तब कौन बतिया नहीं बा। ग्राम प्रधान डुमरी, पिता पुत्र में विवाद हुआ था और पुत्र अपने पिता को कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा रहा था मारने के लिए, 2-3 दिन से तांडव किया था। उसके बाद से 100 नंबर पर सुबह में फ़ोन किए थे कि उसके बाद 100 नंबर की गाड़ी आई और 100 नंबर की गाड़ी बोले कि आप एक तहरीर आप वहाँ पर बरही आप दे दिए चौकी पर दे दीजिए, तो चौकी पर सुबह 10 बजे दे दिए। उसके बाद सुबह से 10 बजे से लेकर शाम तक ले कोई भी नहीं आया। फिर वो अपना पुत्र जो सूरज है वो टांगी लेकर दौड़ाने लगा मारने के लिए उसके, हाँ अपने पिता को। उसके बाद फिर 100 नंबर की गाड़ी आई, 100 नंबर की जब गाड़ी जब आई तो जब 100 नंबर की गाड़ी आई तो वहाँ के जो पुलिस थे वो बोले कि प्रधान को बुलवाइए, तो वहाँ पर हमको बुलवाए तो वहाँ पर गए थे तो वही बोले हैं कि आप दीवान जी से थोड़ा बात करिए, तो जब बात किए तो वही कह रहे हैं कि मर्डर हो जाएगा तभी आएंगे। और उसके बाद हमको कुछ अफसर जी भी बोले कि बोल रहे हैं कि 2 करोड़ के प्रधान ये वार्ता कई बार का हो चुका है और उसके बाद जब भी हम लोग जाते हैं चौकी में तो इसी तरह का वार्ता करते हैं। अब ब्रिजेश गुप्ता दीवान का सुधीर, हमारे गांव का मामला है पुत्र और पिता पुत्र का है श्री कृष्ण और पुत्र का नाम सूरज। नहीं नहीं पैसे की तो मांग नहीं किए थे। शिकायत प्राप्त हुई थी, एक ऑडियो प्राप्त हुआ था कि एक प्रधान के साथ एक पुलिसकर्मी द्वारा अभद्रता अशोभनीय तरीके से बात की गई है। इसका संज्ञान लेते हुए सीओ चौरी चौरा से जांच कराने पर प्रथम दृष्टया ये सत्यता पाए जाने पर पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके प्रशासनिक कार्रवाई चालू की गई।